हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर हेरिटेज मैनेजमेंट। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम फेमस म्यूजियम्स। ओके, तो म्यूजियम्स तो आप सभी को पता ही है कि क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि वहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड थिंग्स, उसको स्टोर किया जाए, ठीक है। और वो पुरानी चीज़ें जो है, जब वहाँ पे पीपल विजिट करें म्यूजियम में, तो वो पुरानी चीज़ें मतलब उनको दिखाया जाए, एग्जिबिट किया जाए, ठीक है, ताकि उनको भी हिस्ट्री के बारे में पता चले। जैसे कि पुरानी चीज़ों में क्या होगा, राजा का तलवार मिला है, ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन पे जो टॉयज पाए गए थे, या फिर पहले के मीन्स एंशियंट टाइम्स में जो किंग्स होते थे वो क्लोथ्स कैसे पहनते थे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें म्यूजियम में स्टोर करके रखी जाती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। म्यूजियम्स वर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटीक्विटीज कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ रॉयल एंड एलीट फैमिलीज ऑफ मिडिवल यूरोप। ओके, एंटीक्विटीज मतलब क्या होगा, ओल्ड थिंग्स यानी पुरानी चीज़ें। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि म्यूजियम्स को क्रिएट क्यों किया जाता है, ताकि वो जो एंटीक्विटीज़ है यानी ओल्ड थिंग्स जो है, वो ऑर्गेनाइज मैनर में और अच्छे से मैनेज करके रखा जाए। ओके, तो वही कहा गया है कि मिडिवल यूरोप में लोगों को, यानी जो रॉयल और एलिट फैमिलीज के जो मेंबर्स हुआ करते थे, रॉयल मतलब क्या होगा, जैसे राजघराने के लोग, एलिट मतलब क्या होगा, हम नोबल भी बोल सकते हैं, मीन्स इजी वर्ड उसका क्या होगा, नोबल फैमिलीज के जो मेंबर्स होते थे, वो एंटीक्विटीज कलेक्ट करते थे, और उनके एंटीक्विटीज को मीन्स कलेक्ट किए गए एंटीक्विटीज को जो है स्टोर करके रखना रहता था, ठीक है, और जिसके वजह से मीन्स म्यूजियम्स क्रिएट हुआ, म्यूजियम्स को क्रिएट किया गया, ताकि उनके कलेक्ट किए गए एंटीक्विटीज को जो है एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करके रखा जाए, उसको अच्छे से मैनेज किया जाए। ओके, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले लूव्र म्यूजियम, दैट इज इन फ्रांस। ओके, सो द लूव्र म्यूजियम इन पेरिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 18th century CE। ओके, लूव्र म्यूजियम जो है कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, पेरिस में। कब, कौन सी सेंचुरी में, 18th century में। नेक्स्ट, एंटीक्विटीज कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वर एग्जिबिटेड इन द लूव्र म्यूजियम। और वहाँ पे मीन्स फ्रांस में जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे, वो एंटीक्विटीज कलेक्ट करते थे, और वो उनके कलेक्ट किए गए एंटीक्विटीज जो है वो कहाँ रखे जाते थे, लूव्र म्यूजियम में। और उसके बाद जब वहाँ पे पीपल विजिट करते थे, तो वो एंटीक्विटीज जो है लोगों को दिखाया जाता था, ठीक है, एग्जिबिट किया जाता था। नेक्स्ट, इट इंक्लूडेड द मच अक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंसी, द वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट। ओके, रिनाउंड का मतलब क्या होगा, फेमस, मीन्स पूरी दुनिया में जो है सबसे फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंसी ने एक पेंटिंग बनाई, मोनालिसा की पेंटिंग, ठीक है। तो वो रॉयल फैमिली जितने भी एंटीक्विटीज वो कलेक्ट करते थे, तो ऐसा कहा गया है कि सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा की, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, लियोनार्डो डा विंसी के, जो कि एक कौन थे, एक फेमस आर्टिस्ट, तो वो भी लूव्र म्यूजियम में रखा गया है। मोनालिसा की पेंटिंग जो है कहाँ पे रखी गई है, स्टोर करके लूव्र म्यूजियम में। ओके, नेक्स्ट, He worked under the patronage of Francis I, the King of France, in the 16th century. ये जो Leonardo da Vinci थे, ये 16th century में जो है Francis I, जो कि फ्रांस के राजा थे, किंग थे, उनके आश्रय में काम करते थे। पैट्रोनेज का मतलब क्या होगा, कि आश्रय ले लेना, यानी उनके शरण में काम करना, ठीक है, किसके, फ्रांसिस वन, द किंग ऑफ फ्रांस इन द 16th century। ओके, नेक्स्ट, द कलेक्शन इन द लूव्र म्यूजियम इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द एंटीक्विटीज ब्रॉट बाय द नेपोलियन बोनापार्ट फ्रॉम हिज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होगा, विक्ट्री, जीत हासिल करना, यानी फ्रांस का ही कोई नेपोलियन बोनापार्ट था, वो जिस भी एरिया में, जिस भी रीजन पे अटैक करता, तो वो एरिया को, उस रीजन को जीत लेता, और जीतने के बाद वहाँ की जो भी चीज़ें होती थी, मीन्स ओल्ड थिंग्स, एंटीक्विटीज, वो जीत के कहाँ लेके आता था, फ्रांस में, ठीक है। और उसके बाद में उसके लाए गए, मीन्स जीत के बाद उसके लाए एंटीक्विटीज जो है वो कहाँ पे स्टोर करके रखे जाते थे, लूव्र म्यूजियम में, जिसके वजह से धीरे धीरे लूव्र म्यूजियम का कलेक्शन जो है वो एक ग्रेट एक्सटेंट में इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंटली
The museum contains more than 380,000 artifacts. See, artifacts का मतलब क्या होगा? Decorative items. और presently ऐसा कहा गया है कि म्यूजियम में, लुव्र म्यूजियम में प्रेजेंटली अब तक जो है कितने आर्टिफैक्ट्स हैं? मोर देन 380,000. ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटिश म्यूजियम, दैट इज इन इंग्लैंड. द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन वॉज स्टैब्लिश्ड इन द 18th सेंचुरी सीई. जैसे कि हमने लुव्र म्यूजियम देखा कि 18th सेंचुरी सीई में ही स्टैब्लिश हुई, वैसे ही ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सी सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में. ओके, नेक्स्ट, सर हंस स्लोअन अ नेचुरल साइंटिस्ट हैंडेड ओवर अबाउट 71,000 ऑब्जेक्ट्स इन हिज कलेक्शन टू द किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज सेकंड. सी, सर हंस स्लोअन ये कौन थे? नेचुरल साइंटिस्ट जिन्होंने 71,000 ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किया था, और उन्होंने अपना कलेक्शन जो है 71,000 का जो उन्होंने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया था, उन्होंने अपना कलेक्शन जो है किसको हैंड ओवर कर दिया, किसको सौंप दिया? इंग्लैंड के किंग जॉर्ज सेकंड को. ओके, नेक्स्ट, इट इंक्लूडेड, अब हम देखेंगे कि 71,000 ऑब्जेक्ट्स जो सर हंस स्लोअन जो कि नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कलेक्ट किया था, तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ठीक है, सेवरल बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं, पिक्चर्स, स्पेसिमेन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, हर्बेरियम. ओके, हर्बेरियम का क्या कहेंगे? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, यानी जो सूखे प्लांट्स है तो उसको सिस्टमेटिकली जो है अरेंज करके रखा जाए, तो उसको क्या कहेंगे? हर्बेरियम. ठीक है, तो 71,000 ऑब्जेक्ट्स में से क्या क्या मीन्स उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सेवरल बुक्स, पिक्चर्स हैं बहुत सारे, स्पेसिमेंस यानी मॉडल, ठीक है, या फिर हम रेप्लिका भी बोल सकते हैं, स्पेसिमेंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, हर्बेरियम एक्सेट्रा. ओके, लेटर द कलेक्शन वॉज एक्सपांडेड बाय एडिशन ऑफ वेरियस आर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एंशियंट आर्टिफैक्ट्स कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज. ओके, और बाद में ऐसा कहा गया है, यू मीन स्टार्टिंग में ब्रिटिश म्यूजियम में जो है सर हंस स्लोअन के 71,000 ऑब्जेक्ट्स को ही स्टोर करके रखा गया. ठीक है, क्योंकि वो अपना जो कलेक्शन है वो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज सेकंड को हैंड ओवर करके गए. ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि कलेक्शन जो है एक्सपांड हुआ, ब्रिटिश म्यूजियम में कलेक्शन एक्सपांड हुआ किसके वजह से? एडिशन ऑफ वेरियस आर्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी ब्रिटिश पीपल जो है ब्रिटिश कॉलोनी से ही आर्ट ऑब्जेक्ट्स और एंशियंट आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते थे, और वो उनका किया गया कलेक्शन यानी ब्रिटिश पीपल का किया गया कलेक्शन जो है कहाँ पे रखा गया? ब्रिटिश म्यूजियम में. ठीक है, और जिसकी वजह से ब्रिटिश म्यूजियम का कलेक्शन जो है एक्सपांड हुआ. ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंटली द म्यूजियम कलेक्शन कंप्राइजेस अबाउट 80 लाख ऑब्जेक्ट्स. प्रेजेंटली कहा गया है कि ब्रिटिश म्यूजियम में कितने कलेक्शन इंक्लूड है? अबाउट 80 लाख ऑब्जेक्ट्स. कितने? 80 लाख ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो आपको साइड में इमेज दिया गया है, ये ब्रिटिश म्यूजियम का इमेज है. ओके, नेक्स्ट, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सी, आपको इमेज दिया गया है नेचुरल हिस्ट्री का. ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, दिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनेज्ड बाय द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1846 CE. ठीक है, ये म्यूजियम जो है, ये म्यूजियम किसका है? नेचुरल हिस्ट्री का, जो कि मैनेज जो है किसके थ्रू किया गया? स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन. और ये स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश हुआ? 1846 CE में. ठीक है, नेक्स्ट, इट हाउसेस मोर देन 12 crore, यानी कि 120 million स्पेसिमेंस ऑफ फॉसिल्स एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स, रॉक्स, ह्यूमन फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स. सी, इसका नाम ही है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यानी इस म्यूजियम में जो है सिर्फ सब जो है नेचुरल चीज़ें रखी गई हैं. तो ऐसा कहा गया है कि इस म्यूजियम को जो है किसके थ्रू मैनेज किया गया? स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, जो कि स्टैब्लिश किया गया 1846 CE में. इट हाउसेस यानी इस म्यूजियम में
कितने स्पेसिमेन यानी कितने मॉडल्स रखे गए हैं, 12 crore मीन्स 120 million स्पेसिमेन ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, किसके किसके मॉडल्स, फॉसिल्स के, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, मिनरल्स, रॉक्स, ह्यूमन फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ओके. नेक्स्ट, म्यूजियम्स इन इंडिया. द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, इंडियन म्यूजियम, वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता इन 1814 CE. सी, फर्स्ट म्यूजियम इंडिया में, फर्स्ट म्यूजियम जो है, जो नाम क्या है, इंडियन म्यूजियम, कब स्टैब्लिश किया गया और कहाँ पे, वॉज स्टैब्लिश्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. इंडियन म्यूजियम को किसने स्टैब्लिश किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कहाँ पे, कोलकाता, और कब स्टैब्लिश किया गया, 1814 CE में, ओके. नेक्स्ट, द सेकेंड म्यूजियम इन इंडिया, गवर्नमेंट म्यूजियम, वॉज स्टैब्लिश्ड इन चेन्नई इन 1851 CE, ओके. फर्स्ट म्यूजियम ध्यान रखना कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, कोलकाता में, और वो किसने स्टैब्लिश किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और फर्स्ट म्यूजियम जो कि इंडिया में स्टैब्लिश किया गया उसका नाम क्या है, इंडियन म्यूजियम. कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया, 1814 CE में, ठीक है. और सेकेंड म्यूजियम जिसका नाम है गवर्नमेंट म्यूजियम, जो कि स्टैब्लिश किया गया चेन्नई में, ठीक है, 1851 CE में. नेक्स्ट, द नेशनल म्यूजियम वॉज स्टैब्लिश्ड इन दिल्ली इन 1949, और 1949 में जो है दिल्ली में नेशनल म्यूजियम स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है. प्रेजेंटली देर आर सेवरल म्यूजियम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. प्रेजेंटली अब अगर देखा जाए तो इंडिया के मतलब वेरियस स्टेट्स में बहुत सारे म्यूजियम स्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है. तो ये पहला जो है, पहला इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ, फिर गवर्नमेंट म्यूजियम, सेकेंड म्यूजियम जो है चेन्नई में स्टैब्लिश हुआ, फिर 1949 में जो है दिल्ली में नेशनल म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया. लेकिन अब प्रेजेंटली अगर देखेंगे तो इंडिया के हर एक स्टेट में जो है सेवरल म्यूजियम्स हैं, ओके. तो ये आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में या फिर चार्ट में पूछ सकते हैं एग्जाम में, म्यूजियम्स इन इंडिया, ठीक है. नेक्स्ट, यूजुअली द बिग म्यूजियम्स हैव देयर ओन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है. यूजुअली अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं उनका खुद का आर्काइव्स और लाइब्रेरीज होता है, ठीक है. वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, जो बिग म्यूजियम्स होते हैं तो वो किसी पे मतलब डिपेंड नहीं होते, उनका खुद का आर्काइव्स है और लाइब्रेरीज होता है, ओके. आर्काइव्स मतलब जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं स्टोर करके, और लाइब्रेरीज जहाँ पे बुक्स वगैरह स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है. नेक्स्ट, सम म्यूजियम्स आर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज. एफिलिएटेड का मतलब क्या होगा, डिपेंड रहना, ठीक है. तो कुछ म्यूजियम्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड होते हैं, उनका खुद का जो है आर्काइव्स और लाइब्रेरीज नहीं होता. जैसे कि अभी हमने देखा कि जो बिग म्यूजियम्स हैं उनका खुद का आर्काइव्स और लाइब्रेरीज होता है, लेकिन कुछ म्यूजियम जो छोटे होते हैं मीन स्मॉल म्यूजियम होते हैं तो वो किस पे डिपेंड होते हैं, यूनिवर्सिटीज पे, ओके. नेक्स्ट, सच म्यूजियम्स ऑल्सो ऑफर कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी. और ऐसे म्यूजियम जो है वो कौन सा कोर्स ऑफर करते हैं स्टूडेंट के लिए, म्यूजियोलॉजी. म्यूजियोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम के बारे में नॉलेज लेना, स्टडी करना, ओके. नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज विच ऑफर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी. तो कुछ जो है फेमस, वेल नोन, वेल नोन का मतलब क्या, फेमस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं जो कि क्या ऑफर करते हैं, डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी, ठीक है. सो फर्स्ट वन, नेशनल म्यूजियम कहाँ पे है, दिल्ली, ठीक है. सेकंड, महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा यानी गुजरात, ठीक है. थर्ड वन, कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, ठीक है. फोर्थ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी. फिफ्थ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, ठीक है. लास्ट वन, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, ठीक है. तो ये सिक्स वेल नोन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी के नेम दिए गए हैं जो कि म्यूजियोलॉजी में डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, ओके. नेक्स्ट अब हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय. जैसे कि इंग्लिश में जो है म्यूजियम कहा जाता है तो हिंदी में उसको संग्रहालय कहेंगे, और वस्तु का मतलब क्या होगा, चीज, थिंग्स,
ओके. सो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय. ओके. इन 1904 CE सम इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट्स ऑफ मुंबई डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ म्यूजियम टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया. ओके. 1904 में कुछ इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट्स यानी जो प्रभावशाली रेसिडेंट थे मुंबई में, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स यानी वेल्स कंट्री के राजकुमार ने इंडिया में विजिट किया था, तो उनके यादगार में, कमेमोरेट का मतलब क्या होगा, उनकी यादों में, यादगार में उन्होंने डिसाइड किया कि उनके यादगार में जो है मुंबई में म्यूजियम स्टैब्लिश किया जाए. ओके. नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ 1905 CE द फाउंडेशन वॉज लेड ऑफ द म्यूजियम बिल्डिंग. मीन्स 1904 में कुछ इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट ने ये डिसाइड किया कि मुंबई में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के यादगार में जो है म्यूजियम स्टैब्लिश होना चाहिए, और 1905 के मींस नवंबर मंथ में 1905 के नवंबर मंथ में जो है उस म्यूजियम की जो है म्यूजियम बिल्डिंग के लिए न्यू भी डाल दी गई. ओके. फाउंडेशन का मतलब क्या होगा, न्यू डालना, जैसे घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो पहले उसका फाउंडेशन डालना पड़ता है, न्यू डालनी पड़ती है. ठीक है, तो वैसे ही म्यूजियम बिल्डिंग के लिए भी. एंड नेक्स्ट, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ द म्यूजियम वुड बी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया. और ये भी डिसाइड किया गया क्योंकि ये जो म्यूजियम स्टैब्लिश किया जा रहा था मुंबई में, तो ये किसके कॉमेमोरेट में यानी यादगार में, प्रिंस ऑफ वेल्स. तो ये भी डिसाइड किया गया कि म्यूजियम का नाम जो है क्या होना चाहिए, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया. ओके. इट वॉज रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इन 1998 CE. ओके. मीन्स जब ये 1905 में म्यूजियम बिल्डिंग की जब न्यू पड़ी, तो उस टाइम पे डिसाइड हुआ कि म्यूजियम का नाम जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया होना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ वेल्स के कॉमेमोरेट में एस्टैब्लिश किया जा रहा है. लेकिन लेटर बाद में जो है 1998 में इस म्यूजियम का जो है दोबारा नाम रखा गया. ठीक है, रीनेम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय. ओके. आपको इमेज भी दिया गया है ये छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय का. ओके. नेक्स्ट, द बिल्डिंग ऑफ द म्यूजियम इज बिल्ट इन इंडो गॉथिक स्टाइल. ठीक है, और इस म्यूजियम का जो बिल्डिंग है क्रिएट किया गया, बिल्ड किया गया, तो वो कौन से स्टाइल का है, इंडो गॉथिक स्टाइल. सी, आपको ये जो इमेज दिया गया है, ओके, ये इमेज जो है इंडो गॉथिक स्टाइल का ही है. ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड वन हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई. यानी ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स के कॉमेमोरेट में यादगार में जो ये म्यूजियम क्रिएट किया गया, स्टैब्लिश किया गया, तो मुंबई में इसे जो है कौन सा स्टेटस मिला, ग्रेड वन का. इस म्यूजियम को मुंबई में ग्रेड वन का स्टेटस भी मिला है. एंड नेक्स्ट, द म्यूजियम हाउसेस अबाउट 50,000 एंटीक्विटीज. और इस म्यूजियम में कितने एंटीक्विटीज रखे गए हैं स्टोर करके, 50,000, और उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इस 50,000 एंटीक्विटीज को अलग अलग कैटेगरीज में यानी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, आर्ट्स की, सेकंड आर्कियोलॉजी, एंड थर्ड वन इज नेचुरल हिस्ट्री. ओके. नेक्स्ट, यू वुड लाइक टू नो दिस, फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट में आपको पूछ सकते हैं फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको ये नेम लिखने हैं उसमें. ओके. सो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया आर इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, शलरजगंज म्यूजियम हैदराबाद. ठीक है, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.